फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम जो 9.2 के क्वेश्चन और एक लास्ट एग्जांपल 6.9.2 का जो रिमेनिंग है वो करते हैं। तो ये मोस्ट एग्जांपल है 6 और एक सेम का सेम ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में 11 नंबर क्वेश्चन है जहाँ पर ये पूरा डिटो है और यहाँ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 की जगह इक्वेशन दूसरी और यहाँ पर वो पॉइंट दूसरी है। अभी उसमें भी ये सेम रेशियो फाइंड आउट करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर आपको अनुपात ज्ञात करना है तो अनुपात ज्ञात करने वाले पीछे भी क्वेश्चन किए हैं लेकिन वहां पर आपको एक पॉइंट देता था कि ये पॉइंट इन दोनों को किस अनुपात में विभाजित करता है लेकिन यहाँ पर एक लाइन की इक्वेशन दे दी। जैसे आप एक्सरसाइज नंबर 4 में एक लाइन की जो इक्वेशन होती थी उससे आप लाइन ड्रॉ करते थे तो उसी तरह से ये लाइन ड्रॉ अगर आप करते हो तो ये दोनों पॉइंटों को जॉइंट करने पर ये उसे किस अनुपात में किस रेशियो में डिवाइड करेगी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अपन इसका रफ डायग्राम बनाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट ए और बी हो गए, ए पॉइंट हो गया -1 1 हो गया, बी पॉइंट हो गया 5 और 7। अब इस लाइन की अपन ऐसे ये लाइन है और इसकी इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है और ये लाइन इसको इस पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और ये पी पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट करेगी तो ये रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ये के रेशियो 1 में डिवाइड कर रही है। अब अपने पास इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी नहीं है तो अज्यूम करो पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है एक्स वाई। अब ये एक्स वाई जो पॉइंट है ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पी के ये इस लाइन के ऊपर ही स्थित होंगे, इस लाइन के ऊपर स्थित होंगे क्योंकि ये लाइन इन पॉइंटों को जोड़ने वाली लाइन पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है और ये पॉइंट दोनों लाइनों ये कॉमन है तो इस पे जो इंटरसेक्ट हो रही है तो ये जो वाई जो क्रिएट आएंगे ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। इस लाइन जो समीकरण 4 इसमें एक्स और वाई के मान रखने पर आपके पास आंसर 4 आना चाहिए। तो अपने इसमें क्या ट्रिक करेंगे कि एक्स और वाई के मान निकालेंगे अपने यहाँ पे। अब देखो एक्स वाई कौन है और अनुपात भी अनोन पास तो आप एक्स और वाई का जो मान निकालोगे अंतर्विभाजन सूत्र से वो के पदों में आएगा और वो मान आप इस समीकरण में रख दोगे क्योंकि ये लाइन एक्स और वाई के जो मान है वो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं अपन। यहाँ पे जो रेशियो कह रहा है तो ये रेशियो अपन के रेशियो 1 ले लेंगे। तो लेट द लाइन ये सेम ये बोला है उसने रेशियो में तो लेट द लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स -1 1 एंड 5 7 इन रेशियो के रेशियो 1। माना समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 जो ये रेखा है ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करती है ये अपन लिखेंगे। अब यहाँ पे आप x और y के जो अंतर विभाजन सूत्र से आप इसके निर्देशांक निकालोगे तो इंटरनली डिवीजन फॉर्मूला बाय इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला अंतर विभाजन सूत्र से। तो इस सूत्र से अपने इसमें एक्स और वाई दोनों आप पी के कोऑर्डिनेट जो है एक्स और वाई के मान निकालोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट ओ पॉइंट पी पी का एक्स निर्देशांक तो एक्स का मान निकालने के लिए आप यहां पे इस के का मल्टीप्लाई किससे करोगे 5 से करोगे दोनों एक्स वाले लेंगे अपन यहां पे के का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5k 1 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो ये हो गया -1 अपॉन में k प्लस 1 तो ये आ गया x कोऑर्डिनेट और इसी तरह आप इसका निकाल लोगे y कोऑर्डिनेट p का y निर्देशांक y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p तो y कोऑर्डिनेट के लिए ये y वाला फॉर्मूला लिख दोगे आप तो अब की बार k का इंटू 7 से होगा और 1 का इंटू 1 से होगा तो k का इंटू 7 से होगा तो 7k और 1 का इंटू 1 से होगा तो ये प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1। ये x और y जो किसके कोऑर्डिनेट आ गए p के कोऑर्डिनेट आ गए यानी ये जो p के कोऑर्डिनेट है ये दोनों तो आप यहां पे लिख दोगे कोऑर्डिनेट o पॉइंट p तो p के जो कोऑर्डिनेट है ये आप यहां पे दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 कोमा 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1
अब ये P बिंदु है, ये इस लाइन पर स्थित है, इस लाइन पे है, तो ये P पॉइंट के नेट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे आप मान लो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो मान लो इस x और y का मान आ गया 1 और 3 आ गया, तो 1 और 3 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि 1 प्लस 3 क्या होता है 4 होता है। तो इसी तरह से इस P के जो कोऑर्डिनेट आएंगे x और y वो इस लाइन के ऊपर स्थित है, तो इस लाइन के जो दोनों मान है x और y ये आप यहाँ पर इस P के कोऑर्डिनेट रखोगे, क्योंकि ये P पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही स्थित है। तो आप यहाँ लिखोगे पॉइंट P, बट पॉइंट P लाइज ऑन x प्लस y इज इक्वल टू 4, बिंदु P x प्लस y बराबर 4 पर स्थित है। तो x और y के जो ये मान है ये दोनों इस समीकरण में, तो आप ये दोनों मान रख दोगे, जो x और y के मान आपके पास आए हैं, तो यहाँ पे x प्लस वाई है, x का मल्टीप्लाई किसी से नहीं हो रहा है, लेकिन जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वहां पे 3x प्लस वाई लिखा हुआ है, तो वहां 3 से मल्टीप्लाई होगा इस x की वैल्यू को, तो यहाँ सिर्फ x प्लस वाई है, तो 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस y का वैल्यू 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है, ये 4 है। अब देखो दोनों का एलसीएम सेम होगा, तो सेम एलसीएम हो गया k प्लस 1, तो ऊपर वाले डायरेक्टेड हो जाएंगे 5k माइनस 1 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 4, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, 5 और 7 हो जाएगा 12k इज इक्वल टू, ये 4 से मल्टीप्लाई कर लेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 का k से मल्टीप्लाई होगा 4k, 4 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4। तो यहाँ 4k है वो लेफ्ट साइड में आएगा, तो 12k माइनस 4k इज इक्वल टू में कितना है ये 4, तो 12 माइनस 4 हो जाएगा 8k, 8k इज इक्वल टू हो गया 4, तो k का वैल्यू निकालेंगे तो 4 अपॉन 8, तो आ गया 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 k का वैल्यू पॉजिटिव आया है, तो k का वैल्यू पॉजिटिव आया, तो ये k रेशियो 1 कितना हो गया 1:2, तो 1:2 पॉजिटिव आया, तो आप लिख दोगे यहाँ पे कौन सा इंटरनली डिविजन अंत विभाजित। तो ये जो लाइन है x प्लस वाई बराबर 4, तो ये इस a और b को ज्वाइंट करने वाले को 1:2 में अंत विभाजित करती है। ऐसा ही क्वेश्चन सेम एक्सरसाइज का 11 नंबर क्वेश्चन है, वो आप खुद प्रैक्टिस करोगे। अब एक्सरसाइज 9.2 में जो मोस्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9, उससे पहले के जो भी क्वेश्चन है उनके जैसे के जैसे अपन ने एक्सरसाइज वाले जो सिमिलर क्वेश्चन है एग्जाम्पल में कर लिए हैं, तो आप उनके जैसे हैं वो, तो आप उनकी प्रैक्टिस एक बार खुद कीजिए, अगर नहीं आता है आपको तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइए कौन सा क्वेश्चन करवाना है, तो वो मैं करवा दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विद ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट का मतलब तीन बराबर भागों में बांट रहा है, द लाइन जॉइनिंग पॉइंट 11, 9 एंड 1, 2, वो कह रहा है 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को तीन बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो यहाँ पे अभी तक जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे वो सिर्फ दो ही पार्टों में डिवाइड कर रहा था, अब ट्राइसेक्ट हो रहा है, तो इसका अपने से डायग्राम बनाते हैं कि ट्राइसेक्ट के अंदर जैसे ये दोनों पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइनिंग कर रहा है, तो ये 11, 9 और दूसरा है उसका कोऑर्डिनेट है 1 और 2 है, तो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, तो ट्राइसेक्ट इन तीन आपको इक्वल पार्ट करने हैं। तो यहाँ पर अपने कितने पॉइंट की जरूरत होगी, देखो एक पॉइंट होता है वो उसे दो पार्ट में डिवाइड करता है, अगर आप दो पॉइंट लेते हो तो वो तीन पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये आप अप्रोक्सीमेट जैसे ये तीन इक्वल पार्ट हो गए हैं, तो ये पॉइंट इनके कोऑर्डिनेट पी और क्यू के आपको फाइंड आउट करने हैं। अभी तक जो आप कर रहे थे वो सिर्फ एक के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे थे, अब आपको दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ इस पी और क्यू को कोऑर्डिनेट, अगर एक अकेला पी होता तो आप एक्स वाई लिख देते, क्यू होता तो एक्स वाई लिख देते, लेकिन अभी आप जैसे एक्स वाई लिखोगे तो इस दूसरे को फिर एक्स वन वाई वन नाम देते हो, तो फिर एक्स वन वाई वन, तो आप इन दोनों को लेते हो, तो ऐसा कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए आप क्या करो, इस पी के कोऑर्डिनेट को तो ए बी एज्यूम कर लो और क्यू के कोऑर्डिनेट को आप सी डी एज्यूम कर लो। अब आपको ए बी और सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे आपके पास रेशियो क्या होगा, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें तब कौन सा रेशियो लेंगे, क्यू का फाइंड आउट करेंगे तब कौन सा रेशियो लेंगे, तो देखो पी पॉइंट के इधर कितने पार्ट है, लेफ्ट साइड में ये एक पार्ट है और इधर कितने पार्ट है, दो पार्ट है, तो लेफ्ट साइड में तो ये रेशियो हो जाएगा 1:2, राइट में कितने पार्ट है 2, तो 1:2, क्यू के लिए लेफ्ट साइड में कितने पार्ट है, ये 1 और 2 पार्ट है, तो ये हो गया 2:, इधर कितने पार्ट है 1 है, तो ये हो गया 1। अब ये क्वेश्चन अपना फर्स्ट एग्जाम्पल जैसा ही बन गया है,
जब आप P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो तब इस Q वाले क्लॉक को नेगलेक्ट करना है, सिर्फ P के कोऑर्डिनेट, ये एक्स वाई की जगह हो जाएंगे, ये आपके पास एक्स वन वाई वन हो गया, ये इधर एक्स टू वाई टू हो गया, और ये आपके पास एम वन और एम टू की वैल्यू हो गई है। तो सेम अब क्वेश्चन अपना फर्स्ट एग्जांपल या एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जैसा बन गया है, बस आपको यहाँ दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू तो सेम है, चेंज होगा सिर्फ एम वन और एम टू की वैल्यू। तो इस तरह से आप इसमें इसका डायग्राम बना के अगर करते हो तो इजीली आपसे समझ में आ जाता है और अच्छी तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब इसकी जो लैंग्वेज होगी वो क्या लिखोगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स बोला था इसने, तो अपन ये पॉइंट कौन से ले लिए, पी और क्यू, तो लेट पॉइंट्स पी ए बी एंड क्यू सी डी, तो ये दोनों पॉइंट्स ले लिए अपन ने, आगे विच ट्राइसेक्ट, विच ट्राइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग, लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स इसको अपने ए नाम दे दिया है 11 9, एंड दूसरे का नाम हो गया है बी 1 2। माना ए व बी को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु पी ए बी तथा क्यू सी डी तीन बराबर भागों में विभाजित करते हैं, ये आप हिंदी मीडियम में लिख दोगे। अब इसका जो आगे अपन पी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो आप अंतर विभाजन सूत्र लगाओगे, अंतर विभाजन सूत्र, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला इधर लिखा हुआ पड़ा है, इस फॉर्मूले को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इस P का आप ये कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो A, तो इस A की वैल्यू निकालने के लिए अब आपको इस Q को नेगलेक्ट करना है। तो P का जब कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो 1 का इंटू किससे होगा, 1 से होगा, 2 का इंटू किससे होगा, 11 से, दोनों एक्स वाले कोऑर्डिनेट लेंगे क्योंकि ए है वो एक्स कोऑर्डिनेट की जगह पे है। तो ए का वैल्यू क्या आ गया, 1 into 1 हो जाएगा 1 प्लस 2 into 11, तो 2 into 11 या चाहो तो ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, या एक बार समझ में नहीं आता तो ऐसे मल्टीप्लाई लिख दो, 1 into 1 plus 2 into 11, आप ऑन में 1 plus 2 m1 plus m2, तो ये हो गया 1 plus 11 का 2 से करेंगे तो 22 अपॉन में 3, तो ये हो गया 23 अपॉन में 3, ये ए का वैल्यू आ गया है। अब बी का वैल्यू निकालोगे तो अब की बार 1 का इंटू 2 से होगा तो 1 into 2 plus 2 का इंटू 9 से होगा 2 into 9 अपॉन 1 plus 2, तो 1 into 2 2 plus 18 अपॉन 3, तो ये हो गया 20 अपॉन 3। ये तो आ गया P के कोऑर्डिनेट, आप इसी तरह लिखोगे Q के कोऑर्डिनेट के लिए, ये तो हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, Q के निर्देशांकों के लिए, तो Q का निर्देशांक C है तो C के लिए, अब इस P को आप नेगलेक्ट करोगे, अब 2 का मल्टीप्लाई, देखो C निकाल रहे हैं तो C X की जगह है, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, 1 का मल्टीप्लाई 11 से होगा। अब जैसे यहाँ पे 1 था उसकी जगह 2 हो जाएगा, 2 की जगह 1 हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2 इंटू 1 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 11 से होगा तो 1 इंटू 11 अपॉन 1 प्लस 2, तो ये हो गया 2 प्लस 11 अपॉन 3, ये हो गया 13 अपॉन 3। और D जब फाइंड आउट करोगे तो 2 का इंटू 2 से होगा, 1 का इंटू 9 से होगा, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 9 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये हो गया 4 प्लस 9 अपॉन 3, तो ये हो गया 13 अपॉन 3। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास Q के, तो आप लिख दोगे लास्ट में कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड Q, ये लिखने के बाद P के तो लिख दोगे, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू, उसके बाद पी के जो कोऑर्डिनेट है वो अपने पास आए थे 23 अपॉन 3 और 20 अपॉन 3, एंड क्यू के जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो 13 अपॉन 3 और 13 अपॉन 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे एक्सरसाइज का इक्वेशन नंबर 10 है, वो कह रहा है क्वार्टर सेक, तो वहां पे आपको 4 बराबर भागों में बांट रहा है, तो यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट और कौन सा आ जाएगा, ये पी क्यू और आर हो जाएगा, और R के जो आप कोऑर्डिनेट ले लोगे वो E और F ले लोगे, तो वहां पर रेशियो 1:3 हो जाएगा, 1:3:1 हो जाएगा, 1:2:2 हो जाएगा। तो इसी तरह से आप उस क्वेश्चन को करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है उससे भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपको दो ही पॉइंट निकालने हैं, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है 3 नंबर में इस साल के लिए, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट क्वेश्चन है ये, तो 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेशियो, आपको यहां पर भी रेशियो करना है, जब भी रेशियो फाइंड आउट करना हो तो k रेशियो 1 या लैम्डा रेशियो 1 से करो क्वेश्चन,
वेयर माइनस थ्री पी डिवाइड्स नहीं, ये अंतर विभाजित कर रहा है किन बिंदुओं को, माइनस पांच माइनस चार और माइनस दो माइनस तीन को मिलाने वाले रेखाखंड को कर रहा है। एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, और इस पी की वैल्यू भी बतानी है। यहाँ पी कौन सा कोऑर्डिनेट है, इसका वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन सेम अपन ने जो क्वेश्चन किया था एक्स एक्सिस वाला और वाई एक्सिस वाला, वो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जिन दो पॉइंटों को ज्वाइंट कर रहा है वो कौन से पॉइंट है, माइनस फाइव माइनस फोर, और दूसरा पॉइंट है माइनस टू और थ्री है। तो ये हो गया ए पॉइंट और ये हो गया बी पॉइंट। ए पॉइंट इनको इंटरनल डिवाइड कर रहा है, तो ये पॉइंट हो गया पी माइनस थ्री पी। देखो यहाँ पी जैसे स्मॉल आ रहा है तो इसको आप सी नाम दे सकते हो, तो ये माइनस थ्री पी हो गया। अब यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना है, तो ये के रेशियो वन में डिवाइड कर रहा है। तो अपन पहले देखो इन दोनों में जो डिजिट में आपके पास वैल्यू है वो कौन से कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपके पास है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप पी के को लेके करोगे तो के और पी दोनों ही अननोन हो जाएंगे, तो आपके पास जो वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट है इसकी, तो माइनस थ्री के इक्वल आप करके और पहला के का वैल्यू निकालोगे, जब रेशियो आ जाएगा उसके बाद अपन पी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे जो ये सी का कोऑर्डिनेट जो माइनस थ्री है एक्स कोऑर्डिनेट है, तो आप एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाओगे पहले, तो एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट सी, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका माइनस थ्री है इज इक्वल टू में। अब एक्स कोऑर्डिनेट से यहां मल्टीप्लाई करोगे इनका, तो के का इंटू माइनस टू से होगा तो माइनस टू के, और वन का इंटू माइनस फाइव से होगा तो ये माइनस फाइव अपॉन में के प्लस वन, यह आ गया एक्स कोऑर्डिनेट। अब इनका क्रॉस इंटू करोगे तो ये इंटू वन से होगा तो माइनस टू के माइनस फाइव आ जाएगा, माइनस थ्री इन दोनों से इंटू करेगा तो माइनस थ्री के से इंटू करेगा तो माइनस थ्री के, माइनस थ्री वन से इंटू करेगा तो ये माइनस थ्री। अब के वाले टर्म से एक साइड लेंगे तो ये इस साइड ले आओ और फाइव को आप राइट साइड में ट्रांसफर कर दो, तो माइनस टू के ये थ्री के इधर आएगा तो प्लस का हो गया, इधर माइनस थ्री है ये फाइव राइट साइड में जाएगा तो प्लस का फाइव हो गया, तो माइनस टू के में से थ्री के सब्ट्रैक्ट ये होगा तो ये बच गया के प्लस का इज इक्वल टू मी, फाइव माइनस थ्री हो जाएगा टू, तो k का वैल्यू टू आया। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो k अपॉन वन टू अपॉन वन, क्योंकि आपको रेशियो के रूप में निकालना है, तो आपके पास जो k रेशियो वन आ गया टू रेशियो वन, टू रेशियो वन इंटरनली तो इसने बोला ही था, तो इंटरनली डिवीजन के अकॉर्डिंग अपने पास रेशियो तो आ गया है। अब आपको p का वैल्यू निकालना है, तो p इसका कौन सा कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, तो आप वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला निकालोगे, वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट पी, पी बिंदु का वाई निर्देश, ये सी बिंदु का वाई निर्देशांक, तो सी बिंदु का वाई निर्देशांक कौन सा है, यहाँ पे पी है। अब इनकी जगह क्या रेशियो ले लोगे आप, टू रेशियो वन, ये रेशियो आप लिख लोगे ऊपर ऐसे पेंसिल से एक बार और बाद में इसे रेज कर देना, तो पी का जो वैल्यू निकालेंगे तो टू का मल्टीप्लाई किससे होगा, थ्री से होगा, क्योंकि अपन वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो टू का मल्टीप्लाई होगा थ्री से, प्लस वन का मल्टीप्लाई होगा माइनस फोर से, तो वन इंटू माइनस फोर अपॉन में एम वन प्लस एम टू टू प्लस वन, तो पी का वैल्यू आ गया टू इंटू थ्री हो गया सिक्स माइनस फोर अपॉन में थ्री, तो पी इज इक्वल टू सिक्स माइनस फोर होगा तो टू अपॉन थ्री, तो ये आ गया पी का मान। एक तो इसमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक इसमें रेशियो फाइंड आउट करना है, पी का मान और अनुपात, तो अनुपात तो आएगा दो अनुपात एक और पी का मान आएगा दो बटा तीन। तो इस तरह से मैंने इसके तो मोस्ट क्वेश्चन है वो सारे कर लिए हैं। अब इस एक्सरसाइज में मिसलेनियस विविध प्रश्नावली के सिर्फ बच्चे में हैं, तो उनमें जो मेन मेन क्वेश्चन है वो कल के क्लास में हो जाएंगे। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का नाम है वीकेसी मैथ्स सॉल्यूशन, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी नए वीडियो अपलोड हो तो आप उनको तुरंत देख करके और अपने मैथमेटिक्स की अच्छी तरह से आप रिवीजन कर सको और आप अच्छे मार्क्स बोर्ड के अंदर ला सको। तो धन्यवाद।